श्री तापिर गांव जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन, थैंक यू वेरी मच। आज मैं द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 को समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। आज मैं हैरान हूं, कश्मीर स्वर्ग से सुंदर कश्मीर कहा जाता था ये हम लोग सुनता था, लेकिन इतना अन्याय, इतना शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने का, मैं मसूदी साहब को मैं पूछना चाहता हूँ और INC को मैं पूछना चाहता हूँ, इस 70 साल में जम्मू कश्मीर में इतना अन्याय किया इस समाज को, अगर काश मोदी साहब नहीं आते, 370 नहीं हटाते, असेंबली में रिजर्वेशन नहीं लाते और आज पंचायती राज में रिजर्वेशन ला रहा है और म्यूनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन ला रहा है, कितना हमारा गुज्जर, पहाड़ी, मेहतार, बागी, वाल्मीकि, सूरा समाज में इन लोगों के बिहाफ में मैं मोदी साहब को और अर्जुन मुंडा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये न्याय 70 ईयर्स से पहले अगर किया होता, मसूदी साहब के पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर किया होता, आज से ही मैं जम्मू कश्मीर स्वर्ग से सुंदर होना था, लेकिन इतना अन्याय होने का बावजूद भी आज मोदी साहब आके, ये मोदी जी का ग्रांति है, आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर के डाउन थ्रोडन एंड नेग्लेक्टेड समाज आज मेन स्ट्रीम में आ रहा है, इसके लिए मैं इस बिल को समर्थन करता हूँ। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देशवासियों के सामने 370 मोदी जी हटाने के बाद और ये रूल आज म्यूनिसिपैलिटीज में, पंचायती राज में रिजर्वेशन लाने के बाद और असेंबली में रिजर्वेशन लाने के बाद, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मसूदी साहब, कश्मीर स्वर्ग से सुंदर है। इसलिए मैं इस बिल को समर्थन करता हूँ और साथ में मैं अर्जुन मुंडा साहब से एक रिमाइंड करना चाहता हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल में एक योबिन समाज है, म्यांमार और तिब्बत चाइना बॉर्डर में रहने वाला एक कम्युनिटी है, योबिन समाज है, योबिन ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश अपना स्टेट शेड्यूल ट्राइब दिया गया है, लेकिन उसको भी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाके हमारा योबिन समाज का एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, इसको भी आप एक दिन इसी सदन में लाके इन लोगों को भी ट्राइबल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनली ट्राइबल स्टेटस दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे मांग करता हूँ। और आज ये जम्मू कश्मीर भाई बहनों का सामने मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, मोदी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, जो साथी जो पार्टीशन हुए, मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री बने, हमारा वरिष्ठ नेता LK अडवाणी साहब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, इन लोगों का साथी जो कश्मीर में बसे, इन लोगों को मोदी जी आने से पहले कोई वोटिंग राइट ही नहीं था, पंचायत में कोई वोटिंग राइट नहीं था, ये अन्याय मसूदी साहब, आज मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर स्वर्ग से सुंदर है, ये मोदी जी का क्रांति है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्री राम शिरोमणि वर्मा जी, धन्यवाद सभापति।